born without hands, this Super Singh has managed to achieve what most of us would not even dare to imagine. Meet Jagvinder Singh, a young boy from a small village near Patiala with just one dream: to win Paralympic gold medal for India. He is not only a state champion, an awarded painter, and an under 30 young achiever, but also a source of inspiration for many. Here is his story. सबसे पहले तो जब कोई बच्चा हैंडीकैप्ड होता है, उसको शुरू में पता नहीं होता कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ. सबसे पहले फील जो है पेरेंट्स को होता है कि ये हैंडीकैप्ड है. और जो सबसे पहली प्रॉब्लम्स है वो पेरेंट्स ही फेस करते हैं. उसके बाद स्कूल में मुझे शुरू में एडमिशन नहीं मिला था, तो मतलब फिर मम्मा ने मुझे पैरों से लिखना सिखाया कि आप कैसे लिख सकते हो. फिर किसी स्कूल ने मुझे स्कूल में एडमिशन दिया. और एक मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स देखी थी कि यार जो पैरा ओलंपिक गेम्स होती हैं, उनको देखने के बाद लगा कि यार मतलब ये कितना ज़्यादा आगे गए हुए हैं. भी वहाँ पे हैंडीकैप्स जितने भी हैं, मतलब कितने ज़्यादा मेडल्स ले रहे हैं. बट हमारे इंडियंस जो यूथ है, आज की जो यंग जनरेशन है, बॉयज़ गर्ल्स, मतलब अब अगर आप उनको पूछते हो कि प्लस वन प्लस टू के बच्चे भी हैं, अगर उनको आप पूछोगे कि आपका सपना क्या है, तो वो बोलते हैं कि अभी हमने सोचा नहीं है. तो अब कब जाके सोचोगे. ऑब्वियस है. वैसे मैंने स्कूल में भी टीच करवाया थोड़ा टाइम एज ए ड्राइंग टीचर, तो बच्चों से ऐसे ही मिलना हो जाता था, उनसे बातें करना, शेयर करना तो अच्छा लगता था. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं साइकिलिंग का प्रोफेशनल लिस्ट बनना चाहता था, तो मुझे कहीं से भी कोई ऐसी हेल्प या कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी कि जहाँ से मेरी कोई हेल्प हो सके. किसी कोच ने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, तो जो वहाँ जो प्रॉब्लम्स थी, सबसे बड़ी तो ये थी कि वहाँ पे वेलोड्रम नहीं था, अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाता था. क्योंकि मैं देखता था कि अगर आप, जैसे कि बोलते कि इंडिया काफ़ी पीछे है दूसरी बड़ी कंट्रीज को लेकर, जैसे USA, कनाडा, और तो अगर आप उनको बैक करना चाहते हो तो ऑब्वियस आपके पास वो सब कुछ होना चाहिए जो उनके पास है. तो डाइट होनी चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, अच्छी साइकिल होनी चाहिए. जैसे कि मैंने बताया कि मैं ड्राइंग टीचर था, तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना जो डाइट का खर्चा है या थोड़ी एक साइकिल ली, क्योंकि मैं अच्छा प्रोफेशनलिस्ट बनना चाहता था. तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे जितनी पब्लिक है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी उम्मीदों के पंख बने. हैंडीकैप्स वो नहीं होते, मतलब जिनके हाथ या पाँव नहीं होते. असल में हाथ और पाँव काम नहीं करते, असल में दिमाग काम करता है. जितने भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मैं तो यही आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि अपनी मेहनत यही बात सोच के करो. सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.